2024 के चुनावी महासंग्राम में खुद को विपक्ष का बड़ा चेहरा और दावेदार मानने वाले अरविंद केजरीवाल को कर्नाटक में जोर का झटका जोर से लगा है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने बीजेपी को करारी हार का स्वाद चखाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी का मुंह भी कड़वा हुआ है। कांग्रेस ने 135 सीट जीत कर बंपर जीत हासिल की है। उधर बीजेपी और जेडीएस दोनों की सीटें कम हुई है। राज्य में इस बार मुख्य तौर पर तीन दल चुनाव में थे, कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस, लेकिन इनके अलग आम आदमी पार्टी भी चुनाव में दम दिखा रही थी। कर्नाटक के नतीजों में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 0.58% ही वोट मिले हैं और सभी सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ सालों में कई विधानसभा चुनाव लड़े हैं। पिछले साल हुए गुजरात चुनाव में पार्टी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, इससे पूरी पार्टी में उत्साह था और इसी के आधार पर आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कूदने का फैसला भी किया और अपने 208 उम्मीदवार खड़े कर दिए। हालांकि इस चुनाव में पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। कर्नाटक चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी दक्षिण में अपना पहुंच को बढ़ाने का काम कर रही थी। पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त, वेलफेयर स्कीम, शिक्षा के मुद्दों पर चुनाव लड़ा और जनता से कई वादे भी किए। पार्टी को सिर्फ 2.25 लाख वोट मिले हैं, जबकि पार्टी का दावा है कि कर्नाटक में आम आदमी पार्टी के 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद हैं। इस हिसाब से तो लगता है कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ उसके कार्यकर्ताओं ने ही वोट दिए हैं। आम आदमी पार्टी के 208 उम्मीदवारों में से सिर्फ 72 ही ऐसे हैं जिन्हें 1000 से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता ब्रजेश, जिन्होंने की कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, उन्हें चिपकेट से सिर्फ 600 वोट ही मिले। आम आदमी पार्टी का कर्नाटक में वोट शेयर 0.58% रहा। ये नोटा को राज्य में मिले 0.69% से भी कम था। 2018 में भी आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक चुनाव लड़ा था और 29 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, तब पार्टी को 20,000 के करीब वोट मिले थे। बेंगलुरु की 28 विधानसभा में से आम आदमी पार्टी को सिर्फ 16 जगह ही 1000 से ज्यादा वोट मिल सके हैं। बेंगलुरु साउथ में 2585 वोट मिले हैं, जबकि महादेवपुरा में 4551 वोट मिले। बीटीएस लेआउट में 1055 वोट आम आदमी पार्टी ने हासिल किए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने उत्तर कर्नाटक की 19 विधानसभाओं में अन्य के मुकाबले थोड़ा बेहतर प्रदर्शन जरूर किया। यहां पर 3 सीटों में पार्टी के उम्मीदवारों को 3000 से ज्यादा वोट मिले हैं। वैसे सिर्फ कर्नाटक के रिजल्ट के आधार पर आम आदमी पार्टी की ताकत को आंकना सही नहीं होगा। पंजाब के जलंधर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील रिंकू ने कांग्रेस उम्मीदवार करमजीत कौर चौधरी को हरा दिया है। इस जीत पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी मुख्यालय में कहा, लोकसभा में आज आपकी एंट्री हुई, अगर देश की जनता ने चाहा तो हम लोकसभा में भी बहुमत हासिल करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों ने भगवान मान के काम पर मोहर लगाई है, इसके लिए आम आदमी पार्टी को बधाई। पिछली बार 92 सीट जीत कर हमने सरकार बनाई, उस लहर में भी जलंधर की 9 सीटों में से हमें सिर्फ 4 सीटें ही मिली थी, 5 कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन आज 9 में से 7 पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। 2019 में हमने जलंधर में सिर्फ 2.5% वोट हासिल किए थे और आज हमारा वोट प्रतिशत 34% हो चुका है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि उन्होंने धर्म और जात पात की राजनीति नहीं की, वो मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, फ्री बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर पर वोट मांग रहे थे। अच्छी बात है कि लोग पॉजिटिव राजनीति को पसंद करने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली से शुरुआत की थी वो काफिला बड़ा बन गया है। आज लोकसभा में हमारा एक MP है, अब हर जगह हमारी मौजूदगी होगी।
अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लिए बहुत समय दिया, यह हमारे वॉलेंटियर्स की जीत है। जिन्होंने हमें गालियां दी, आपत्तिजनक टिप्पणी की, पर्सनल लाइफ पर अनाप शनाप बोला, उनका भी धन्यवाद। आप लोग ये सब पसंद नहीं करते, आने वाले दिनों में वे भटके हुए लोग भी शायद अपना एजेंडा चेंज कर सके। साफ है कि ये बात तो लगभग तय है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्ष का एक साथ आना मुमकिन है, लेकिन विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, ये वो राज है जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद खुल जाएगा। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव की तरह छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी जान लगाते हैं या नहीं, क्योंकि इन राज्यों में उनकी पार्टी की पकड़ जितनी मजबूत होगी, विपक्षी चेहरे के लिए केजरीवाल की दावेदारी भी उतनी ही मजबूत होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। क्या है आपका कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।